हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से काम कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो है मैं फिर से आप लोगों के साथ में उपस्थित हो गया हूँ एक नया सब्जेक्ट लेके, जो कि एसी पीसीबी या तो फ्रिज पीसीबी रिपेयरिंग के ऊपर में। तो आज का जो सब्जेक्ट है, शायद बहुत सारे टेक्नीशियन को पता होगा और जो लोग नया है शायद उसमें आप लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा। तो मैं आज जिस सेक्शन के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये सबसे ज़्यादा कॉमन फॉल्ट उसी सेक्शन से आते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट वही है। शायद आप लोगों को पता होगा, इन्वर्टर एसी हो या तो इन्वर्टर फ्रिज हो, सब में एक जो आईपीएम का लोड होता है, मतलब आईपीएम से जो आपका कंप्रेसर चलता है उसका जो लोड होता है, लोड का एक कैलकुलेशन आता है एमसीयूआईसी का, और वो जो फीडबैक आता है उसके लिए बीच में एक आईसी यूज होता है जिसका नाम है कंपैरेटर आईसी या तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी। तो वो आईसी कैसे काम करता है वो मैं आज आप लोगों के साथ में डिटेल्स में शेयर करूंगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो आईसी दिख रहा है ना, ये अभी 14 पिन का आईसी, ये एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। जैसा ये आईसी 3 टाइप से आप लोगों को मिलेगा, 5 पिन का भी मिल सकता है, 8 पिन का भी मिल सकता है, या तो ये 14 पिन का भी मिल सकता है। तो इस आईसी से सामने जो लगे हुए जो लोड है उसी लोड का कैलकुलेशन एमसीयूआईसी तक पहुंचता है, और वो कैसे ड्राइव होता है आज मैं आप लोगों को लाइव दिखाऊंगा। सर्किट में मैं वोल्टेज फ्लो करवा के दिखाऊंगा। ये सर्किट मैंने एक शॉर्ट लिया, छोटा सा सर्किट मैंने बना के रखा ऑपरेशन एम्पलीफायर या तो कंपैरेटर आईसी का। इसमें मैं आप लोगों को फुल प्रैक्टिकल ऐसा दिखाऊंगा, क्या लोड बढ़ने से क्या चेंजेस आता है ऑप एम्प का आउटपुट में। तो शायद ये जैसे मैं आज वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगा, शायद मेरे हिसाब में ऐसे लग रहा है कि आप लोग ऐसा वीडियो आज तक कभी नहीं देखा होगा यूट्यूब में। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैं फिर से और एक बार आप लोगों को स्वागत करना चाहता हूं, और डीएनएम टेक्नोलॉजी सपोर्ट का एसी पीसीबी और फ्रिज पीसीबी रिपेयरिंग में आप सबको फिर से और एक बार स्वागत है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं सीधा सब्जेक्ट पे, और वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए हुए देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये मैं थियोरेटिकली समझाऊंगा इसमें क्या एक कंपैरेटर आईसी कैसे सेंस दोनों तरफ से सेंस लेते, एक तो लेते हैं ग्राउंड से और सेंस लेते हैं लोड से, तो दोनों को कंपेयर करके कैसे एमसीयू को सिग्नल भेजते हैं, रेस्पॉन्स भेजते हैं वो देखना है। और इसके लिए अलग अलग बायसिंग होता है, बायसिंग कुछ भी हो, आईसी का काम जैसा होने का है वैसा ही होता है, ठीक है। तो मैं एक टाइप का मैंने यहीं पे बना के रखा और ये आप लोगों को साथ में पूरा शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए सीधा देखते हैं कैसे ये काम कर रहा है। तो ये जो सर्किट देख रहा है, इसमें मैंने ये ऊपर जो निशान दिख रहा है ना, यहीं पे मैंने लिख के रखा टोटल लोड आईपीएम प्लस पीएम, और ये जो आर टू दिख रहा है ना, ये 10 मिली ओम्स का, 10 मिली ओम्स का जो शंट रेजिस्टर है। और बायसिंग कैसे किया हुआ, ये जो ऑपरेशन एम्पलीफायर है ये मैंने 5 पिन का ड्रॉ करके रखा है, जिसमें दो इनपुट होता है, एक नॉन इन्वर्टिंग और एक इन्वर्टिंग इनपुट होता है, और ऊपर में ये वीसीसी होता है, नीचे ग्राउंड होता है और ये आउटपुट होता है, ठीक है। तो और आउटपुट से ये एमसीयू को फीडबैक जाता है। तो मैंने ऊपर में एक मोटर का लोड लगा के रखा, कनेक्शन दिया नहीं, और यहीं पे एक प्रीसेट भी रखा। तो मैं इस मोटर का लोड को मैं वेरी करूँगा। नॉर्मली पहले देखिए, अगर विदाउट लोड में, अगर सामने लोड नहीं है या तो कम लोड में चल रहा है, तब इसका आउटपुट क्या होता है, और जब इसका लोड ओवर हो जाता है तब इसका आउटपुट क्या होता है वो देखना है। तो अभी मैं इस सर्किट में करंट को फ्लो करवा रहा हूँ, मतलब सेट में लाइन दे रहा हूँ।
तो फ्रेंड्स देख सकते हैं इसमें मैंने सेटमेंट लाइन दे दिया। और यहीं पे आप लोगों को मैं पहले बताऊं, ये जो ग्रीन लाइन दिख रहा है ना, ये नेगेटिव वोल्ट है, मतलब ग्राउंडिंग है, नेगेटिव वोल्ट है। और ये जो रेड लाइन दिख रहा है ये प्लस, मतलब पॉजिटिव सप्लाई है। जहाँ जहाँ पे आपको रेड मिलेगा ये प्लस सप्लाई है, जहाँ जहाँ पे ग्रीन मिल रहा है ये नेगेटिव सप्लाई है, मतलब ग्राउंड सप्लाई है। और इस जगह पे आप लोग देख पा रहा है यहाँ पे पूरा प्योर ग्रीन नहीं है, हल्का ग्रीन है, साथ में इसमें रेडिश भाव भी है। तो यहीं पे अभी विदाउट लोड में वोल्टेज निकल रहा है 2.43 वोल्ट, ठीक है, 2.43 वोल्ट अभी इसमें से निकल रहा है जब इसमें कोई लोड नहीं है। क्योंकि ये 2.43 कैसे ये मिल रहा है, यहाँ पे 5 वोल्ट का जो सप्लाई दिया हुआ है कंपैरेटर आईसी में, वहीं से बायसिंग लगा के ऐसे ही बना हुआ है। इसका जो नॉन इन्वर्टिंग सप्लाई है ये वोल्टेज डिवाइडर बना हुआ है। इसका नॉन इन्वर्टिंग में अभी वोल्टेज शो हो रहा है 613 मिली वोल्ट। शायद ये आप लोग देख नहीं पा रहा है, लेकिन ये मैं देख पा रहा हूँ। और आप अगर मेरे सामने लाइव बैठेंगे तो आप भी देख सकते हैं। तो इसका नॉन इन्वर्टिंग पिन में अभी वोल्टेज शो हो रहा है 613 मिली वोल्ट, और इन्वर्टिंग पिन में वोल्टेज शो हो रहा है कितना, वो भी 614 वोल्ट। मतलब दोनों में सेम, अगर दोनों इनपुट में सेम होगा तो इसका जो आउटपुट अभी हो रहा है कंप्यूटर आईसी का सप्लाई जितना है उसका आधा वोल्टेज आउटपुट हो रहा है, 2.43 वोल्टेज अभी आउटपुट हो रहा है। क्योंकि अब इस ऊपर में लोड नहीं है और इसका बायसिंग ऐसे किया हुआ है। तो जब लोड को कनेक्ट किया जाता है, अभी मोटर का एक पॉइंट में सप्लाई दिया हुआ है, 5 वोल्ट से सप्लाई दिया हुआ है, लेकिन इसको अभी ग्राउंड नहीं दिया। तो चलिए मैं इसमें अभी ग्राउंड लगा रहा हूँ। ग्राउंड लगाने के बाद देखते हैं इसमें क्या चेंजेस आ रहा है। ये लोड है, मतलब आप ऐसे ही मान के चल सकते हैं ये हम लोग का कंप्रेसर का मोटर है जो आईपीएम से ड्राइव हो रहा है। तो अभी मैं लाइन दे रहा हूँ, लाइन दे दिया। अभी आप लोग देख सकते हैं ये मोटर का इधर करंट भी फ्लो हो रहा है, शायद आप लोग देख पा रहे होंगे करंट फ्लो इधर से ऐसे ऐसे ग्राउंड की तरफ जा रहा है। और ये पॉजिटिव सप्लाई, मैंने बोल रखा कि ये जो रेड वायर है ये सप्लाई लाइन है, इधर से 5 वोल्ट जा रहा है। और ये मोटर अभी ऐसा, ये ज़्यादा वोल्टेज मैंने दिया नहीं जिसके लिए ये घूम नहीं रहा है। और इस कंडीशन में भी सामने आउटपुट कितना हो रहा है, 2.28, जो पहले विदाउट लोड में था 2.43 या तो 48 कुछ था इसमें। तो अभी यहाँ पे वोल्टेज देख सकते हैं, अभी नॉन इन्वर्टिंग पिन में 613 जैसा था वैसा ही है, क्योंकि ये फिक्स किया हुआ है, इसमें कुछ वैरी नहीं होगा। वैरी होगा कहाँ पे, इन्वर्टिंग पिन पे, क्योंकि इन्वर्टिंग पिन के साथ ही लोड लगा हुआ है। तो अभी भी 614 वोल्ट दोनों पे ही मिल रहा है, तो उसी के हिसाब से सामने 2.28 वोल्टेज मिलता है। तो चलिए इसको मैं अभी मोटर को थोड़ा घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब मोटर में सप्लाई दे रहा हूँ, लोड दे रहा हूँ, अभी मोटर घूमने लगा। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो ग्राउंड लाइन है ज़्यादा डीप भी हो गया है, और करंट भी तेज़ी से फ्लो हो रहा है, ये रेड लाइन से तेज़ी से फ्लो हो रहा है। अभी इसका आउटपुट में कितना वोल्टेज मिल रहा है, आउटपुट मिलना बंद हो गया है, क्योंकि यहीं पे देखिए पूरा डीप ग्रीन आ गया है, पूरा डीप नहीं हुआ है, पहले जैसे था उससे थोड़ा डीप हो गया है। और वोल्टेज अभी यहीं पे शो हो रहा है 892 मिली वोल्ट शो हो रहा है। तो कैसे ये शो हो रहा है, अभी ये दोनों पिन पे देखना है, ये इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग पिन पे क्या चेंज हुआ है। मैंने क्या बोल के रखा था, ये जो नॉन इन्वर्टिंग पिन है यहीं पे तो वोल्टेज डिवाइडर से फिक्स वोल्टेज बना हुआ है 613 ही है, लेकिन इन्वर्टिंग पिन पे विदाउट लोड में कितना वोल्टेज था, 613 ही था, लेकिन अभी कितना हो गया है, अभी यहीं पे सप्लाई आ गया है 684, 684 मिली वोल्ट का
सप्लाई आ गया है, क्योंकि यहीं पे जब लोड बढ़ेगा तो इन्वर्टिंग पिन पे वोल्टेज इंक्रीज होता है। अगर नॉन इन्वर्टिंग पिन से अगर इन्वर्टिंग पिन इंक्रीज हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तब जाके आउटपुट में ड्रॉप मिलेगा, और जैसा यहीं पे हो रहा है। तो ऐसे ही यहीं पे इन दोनों पिन का बीच में मिली वोल्ट की अगर डिफरेंस होगा, तब जाके ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर या तो कंपैरेटर इतना सेंसिटिव है, दोनों पिन का बीच में अगर पॉइंट मिली वोल्ट का भी डिफरेंस होगा तो इसका सेंस ये कर लेते हैं और आउटपुट में MCU/IC को भेज देते हैं। तो और एक बार मैं दिखा रहा हूँ यहीं पे, मैंने प्रीसेट को ज़्यादा घुमा के रखा और मैं कम कर रहा हूँ। देखिए प्रीसेट जब मैं कम भी कर रहा हूँ तो आपको यहीं पे जो ग्रीन लाइन का जो करंट फ्लो का इंफॉर्मेशन भी आप लोगों को कम ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ये मोटर अभी फुल स्पीड में मैं घुमा दिया, सामने अभी देखिए लाइन, ये जो आउटपुट लाइन है पूरा ग्रीन हो गया है और आउटपुट बंद हो चुका है। 892 मिली वोल्ट अभी आउटपुट शो हो रहा है। इस कंडीशन में देखिए यहीं पे इन्वर्टिंग पिन पे वोल्टेज आ गया है 2.19 वोल्ट, जो नॉन इन्वर्टिंग पिन से बहुत डिफरेंस हो गया है। क्या होता है अगर सामने लोड ज़्यादा हो जाते हैं, तो अभी लोड ज़्यादा हो गया है, मोटर पूरा फुल स्पीड में घूमने लगा, अभी अगर पावर सप्लाई से अगर कुछ कमियाँ आ जाएगा मेन फिल्टर में, अगर PFC काम नहीं करता, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मोटर जब लोड में जाएगा तो ये कंपैरेटर ऐसे क्या करेगा, मेन MCU/IC को इन्फॉर्मेशन भेजेगा क्या लोड ज़्यादा हो रहा है, इसके हिसाब में सप्लाई कम बन रहा है तो सिस्टम को बंद करना है, अभी वो प्रोटेक्शन में भेज देगा। तो ऐसा ही ये काम चल रहा है। अभी आप लोग इसमें जो इन्वर्टिंग पिन में देखिए, इसका कलर भी पूरा चेंज हो गया है, जो पहले पूरा डीप ग्रीन था वो अभी लाइट ग्रीन हो गया है। इसका ऊपर से भी देख सकते हैं ये लाइट ग्रीन टाइप का हो गया है, और ये ऊपर में 2.62 वोल्ट शो हो रहा है, ऊपर यहाँ पे 2.62 वोल्ट शो हो रहा है, क्योंकि अभी लोड बढ़ गया है। शायद आप लोगों को ये पता चल गया है क्या, ये तो शंट रजिस्टर R2 जो 10 mA का लगा हुआ है, इसका एक सिरा ग्राउंड किया हुआ है और दूसरा सिरा लोड के साथ लगा हुआ है। तो ये ऊपर का ये पोजीशन में मिली वोल्ट का कैसे जो चेंजेस हो रहा है, ये शायद आप लोग देख पा रहे हैं, और ये आप लोग लाइव देख सकते हैं। जब आप लोग मेरे सामने आएंगे, मेरे ट्रेनिंग पे जब उपस्थित होंगे, तो आप लोग को ये पूरा लाइव दिखाई देगा ये क्या चल रहा है। तो फ्रेंड्स, इसमें और एक चीज़ आप लोगों को बताऊं, आप लोगों को सुविधा के लिए बहुत सारे लोगों का मेरे पास कॉल आ रहा है, मैसेज भी आ रहा है, आप लोग पूछ रहा है ट्रेनिंग कब होगा, तो मैं आप लोगों को बताऊं, इसी नवंबर का 2024 का नवंबर का अभी डेट फिक्स नहीं हुआ है, तब भी ये मैं आज आप लोगों को बता सकता हूँ, नवंबर का 23 तारीख से 27 तारीख तक 5 दिन का ट्रेनिंग होने जा रहा है वेस्ट बंगाल में मेरे वर्कशॉप पे। तो इसके लिए जिन्होंने इंटरेस्टेड होंगे तो आप लोग माइंड को प्रिपेयर कर सकते हैं क्या ट्रेनिंग पे आने के लिए, और बाकी मैं कुछ दिन के अंदर आप लोगों को पूरा डिटेल्स बताऊंगा, कौन सा डेट हो रहा है, क्या फीस हो रहा है, क्या क्या पूरा डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो तब तक के लिए अभी ये वीडियो को मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। तो सिर्फ इसका जो मेन मोटिव है ये देखिए, अभी ये जो नॉन इन्वर्टिंग पिन है यहीं पे वोल्टेज फिक्स किया हुआ है, इन्वर्टिंग पिन पे जब नॉन इन्वर्टिंग से ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा, वो पॉइंट वोल्ट भी अगर ज़्यादा हो, थोड़ी 0.20 से लेके 0.30 तक इतना छोटा वोल्टेज का अगर अप एंड डाउन होगा, तब भी ये कंपैरेटर ऐसी सेंस लेके MCU/IC को भेज देता है क्या सामने कितने एम्पियर का लोड चल रहा है। तो अभी तो पूरा सप्लाई बंद है क्योंकि हाई स्पीड में चल रहा है मोटर, और यहाँ पे वोल्टेज भी शो हो रहा है, डिफरेंस बन गया है 2.62, और इन्वर्टिंग पिन पे अभी वोल्टेज शो हो रहा है 2.19 वोल्ट, जहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग पिन पे अभी वोल्टेज जैसा था वैसा ही है 612 मिली वोल्ट। अभी और एक बार मैं मोटर का लोड को कम कर रहा हूँ, सप्लाई को कम कर रहा हूँ। अभी आप लोग देखिए ये जो R2 10 mA का ऊपर ये जो लोड लगा हुआ है, इसका कलर देखिए
कैसे चेंज हो रहा है। देखिए अभी ग्रीन हो गया है, इस कंडीशन में यहाँ पे कितना वोल्ट शो हो रहा है, 216 मिली वोल्ट। 216 मतलब इसमें नॉन इन्वर्टिंग पे 613 और इन्वर्टिंग पे मिल रहा है 216 मिली वोल्ट। अभी आउटपुट क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है 1.80 वोल्ट। मतलब अभी सिस्टम चल रहा है, अभी ये प्रोटेक्शन में गया नहीं। जब इसका लो, इसका वोल्टेज अभी इसका इसका इन्वर्टिंग पिन पे अभी वोल्टेज हो रहा है 614 और नॉन इन्वर्टिंग में मिल रहा है 612, दोनों बराबर है, इसलिए अभी भी आउटपुट मिल रहा है, मतलब सेट प्रोटेक्शन में गया नहीं। और भी मैं कम कर रहा हूँ लोड को, लोड का पॉइंट पे मिल रहा है 97 मिली वोल्ट, लेकिन आपका इन्वर्टिंग पिन पे मिल रहा है 614 वोल्ट, सेम टू सेम। मतलब ये एक टाइम पे लोड जब ज़्यादा हो जाएगा तब नॉन इन्वर्टिंग पिन से इन्वर्टिंग पिन का वोल्टेज जब हाई हो जाएगा तब ये कंपैरेटर आईसी जो आउटपुट में वोल्टेज दे रहा था, मतलब वोल्टेज के साथ में सिग्नल दे रहा था एमसीयू आईसी को, वो ओवरलोड की कंडीशन में वो सप्लाई को बंद कर देगा। तो एमसीयू को पता चल जाएगा क्या सामने जो लोड है वो ओवर हो रहा है, या तो लोड चलने के लिए जो सप्लाई चाहिए वो कम हो रहा है, कुछ भी एक कंडीशन होता है, ठीक है। तो ऐसा ही ये सिस्टम चलता है। शायद आप लोग थोड़ा अगर वीडियो को गौर से देखेंगे तो आप लोगों को ये जो मैं करंट फ्लो का जो सिस्टम दिखा रहा हूँ, ग्रीन लाइन, डीप ग्रीन, लाइट ग्रीन, रेड लाइन, ये देखने से थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया लग जाएगा क्या ये एक्चुअल में सिस्टम कैसे चलते हैं। और ऐसा कंपैरेटर आपको पूरा जो इन्वर्टर सिस्टम का एसी हो या तो इन्वर्टर पीसीबी हो, सब में आपको देखने को मिलेगा, दो तीन जगह पे देखने को मिलेगा, क्योंकि सभी जगह से इसका इंफॉर्मेशन एमसीयू को पहुंचते हैं। इसीलिए हम लोग का इन्वर्टर सिस्टम बहुत स्ट्रिक्टली चलते हैं और एकदम परफेक्टली चलने के लिए ये टेक्नोलॉजी बना हुआ है। शायद आप लोग को थोड़ा बहुत पता चल गया होगा, और इसमें अगर आप लोग को कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कॉमेंट भी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, वो आपका मर्जी है। लेकिन मैं मेरे हिसाब में आप लोगों को ये जानकारी देने की कोशिश की है। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो, आज का सब्जेक्ट यहीं तक का ही है। यहीं पे मैं ये दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये रेड लाइन, ये सप्लाई लाइन, ये रेड डॉट दिख रहा है, इसमें भी मैं अभी वोल्टेज वेरी करूँगा। तो अभी आप लोगों को यहीं पे अभी कितना वोल्टेज शो हो रहा है, 892, मतलब आउटपुट बंद हो चुका है। इसको मैं कम कर रहा हूँ, अभी यहीं पे वोल्टेज मिल रहा है 2.26, मतलब ओके कंडीशन में चल रहा है। तो ऐसा ही यहीं पे कलर चेंजेस आप लोगों का अभी वीडियो में दिखाई नहीं देगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए यहीं तक ही है, आप लोग अच्छे से काम करिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अभी तक मेरे साथ बने रहने के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट कुछ कोई टॉपिक्स में, तब तक के लिए गुड बाय।